दसवीं के बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल, किताब से लोकतंत्र और सोर्स ऑफ एनर्जी के चैप्टर हटाए गए। संसदीय समिति की बैठक में उठा पहलवानों का मुद्दा, कहा टीएमसी के सांसदों ने सरकार पर लगाए थे आरोप। नन रेप केस में बरी होने वाले जालंधर के बिशप फेंक्रो मुलक्कल का इस्तीफा पोप फ्रांसिस ने किया कबूल। अब अदालत में नहीं पेश होंगे मनीष सिसोदिया, बदतमीजी के आरोपों पर कोर्ट ने कहा सुरक्षित रखें सीसीटीवी। दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना, 36 साल बाद मई सबसे ठंडा, आने वाले दिनों में बदलता रहेगा मौसम। अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु के सीएम से करेंगे मुलाकात। पंकजा मुंडे की पार्टी से नाराजगी जाहिर, बोली मैं भाजपा की लेकिन भाजपा मेरी नहीं। गुजरात के बेस्ट बेकरी नरसंहार मामले में फैसला टला, अब 2 जून को आएगा आदेश। सूरत में पिता ने बेटी पर चाकू से किए 25 बार पत्नी की काटी उंगलियां। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने बरामद किया 715 ग्राम गोल्ड, रेक्टम में छिपाकर लाया था यात्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने की खुदकुशी, AK-47 से खुद को मारी गोली। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली, पहली बार से रवाना हुए 39 पर्यटक। बिहार में दिल्ली जैसी वारदात, शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका पर किए चाकू से 12 बार। गुरमीत सिंह खुड़िया और बलकार सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ, सीएम भगवंत मान ने दी बधाई। एमपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने अजय सिंह से की मुलाकात, अटकलें शुरू। चुनावी साल बीजेपी में अनुशासन तोड़ने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, दिग्गजों ने बनाई रणनीति। 12 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले कौन नेता जाएगा अभी तय नहीं। सेंसेक्स 193 अंक लुढ़का, निफ्टी 18.5 के नीचे हुआ बंद। 991 लीटर के बूट स्पेस के साथ 23 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज देती है टोयोटा की SUV। अब एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स भी कर पाएंगे एप्पल म्यूजिक क्लासिक ऐप पर नया फीचर हुआ ऐड। नेपाल को 10,000 मेगावाट बिजली देगा भारत, पीएम मोदी ने किया ऐलान, रेल रामायण सर्किट पर भी अहम करार। मैं पहला शख्स जिसे अवमानना के लिए इतनी बड़ी सजा मिली, अमेरिका में बोले राहुल गांधी। नसीरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी को बताया खतरनाक, कहा ना देखी है ना देखूंगा। टोविनो की फिल्म ने पार किया 160 करोड़ का आंकड़ा, मोहनलाल की पुरिली मुर्गन को दी मात।